जितने भी मशीनों का इस्तेमाल होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? सेकंड, यानी यानी एक एक फ्लो तो इधर से इधर होता है और दूसरा फ्लो इधर से इधर, दूसरा फ्लो इधर से इधर होता है। यानी यहां से प्रोड्यूस गुड्स प्राइमरी सेक्टर में आते और यहां से रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को। ये सेक्टर दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंकों में डिपॉजिट कहां से आएगा? बैंकों में डिपॉजिट कहां से आएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ही ना। इस क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वही अपनी बचत बैंकों में जमा करेंगे ना, और बैंकों की आय का मुख्य साधन क्या है? डिपॉजिट, डिपॉजिट। और उसी डिपॉजिट को फिर वो कर्ज के रूप में देता है, उसी डिपॉजिट को वो कर्ज के रूप में देता है। तो यही डिपॉजिट, डिपॉजिट यहां से यहां जाता है और फिर कर्ज के रूप में, फिर कर्ज के रूप में यहां से यहां आता है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर कर्ज लेती है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अपनी कंपनी, चाहे स्थापना कंपनी को एस्टेब्लिश करना हो या फिर कंपनी को बढ़ाना हो या जो कुछ भी करना हो, उसको जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंस कहां से लेती है? इसी सेक्टर से लेती है ना, इसी सेक्टर से लेती है। जब आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो किस सेक्टर के पास जाते हैं? इसी सेक्टर के पास जाते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि डिपॉजिट यहां से, यानी यहां से डिपॉजिट यहां जाता है, तो एक फ्लो इधर से इधर भी होता है और फिर ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाता है। फिर ये आपस में तीनों कनेक्ट हो जाता है क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। एक के, अगर कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन कहां से मिलता? बैंकों से ही ना। और किसानों के पैसे जमा कहां होते हैं? बैंक में ही। और वही पैसा फिर कर्ज के रूप में किसके पास आता है? किसानों के पास आता है। तो ये पूरा एक सर्किल है ना, ये पूरा एक सर्किल बनता है। अगर इस सर्किल से एक हिस्सा टूट जाए तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर होगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर होगा तो इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। रॉ मेटेरियल नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को। अगर इस सेक्टर की आमदनी ज्यादा होगी, किसानों की अगर आमदनी जमा ज्यादा होगी तो उनकी बचत कहाँ आएगी? बैंकों में आएगी। अगर उनकी बचत ही नहीं होगी तो बैंकों में क्या आएगा? हाँ, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इस सेक्टर का मजबूत होना भी जरूरी है। और ये सेक्टर मजबूत होगा तो भारत में खाद्यान्न की भी कमी नहीं होगी, ना उद्योगों को कच्चे माल की कमी होगी और ना ही लोगों को खाद्यान्न की कमी। ये सेक्टर अगर मजबूत होगा तो दोनों सेक्टर को मशीन उपलब्ध कराए, इस सेक्टर को, इस बस परिवहन के लिए सवारी गाड़ी चाहिए ना, ये गाड़ी का उत्पादन कहाँ होता है? सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये सेक्टर भी मजबूत होना चाहिए तभी ये दोनों सेक्टर को सपोर्ट कर पाएगा। और इसके पास पैसा होगा तभी तो ये बाकी सबको सपोर्ट कर पाएगा। इसलिए अगर इसमें से कोई भी एक सेक्टर अगर नीचे की तरफ जाता है, अगर ग्रोथ रेट, अगर इसमें से किसी भी एक सेक्टर का अगर नीचे जाता है तो दोनों सेक्टर प्रभावित होता है। अगर तीनों में ग्रोथ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि तीनों में बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लें कि ये बहुत ऊपर चला जाए, ये भी थोड़ा ऊपर जाए और ये नीचे चला है, तो क्या होगा? जो ये बचत होगी, जो वहां से बचत होगी देश की, वो तो इस पे खर्च हो जाए, एग्रीकल्चर पे खर्च हो गया ना। पता चला कि किसानों को जो कर्ज दिया गया वो माफ करना पड़ा, पता चला किसानों को सब्सिडी पे बीज देना पड़ा, पता चला किसानों को मुफ्त में बिजली देना पड़ा। तो बिजली अगर मुफ्त में दी जाएगी तो इसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? बिजली किसका, बिजली किस
इसका सेकेंडरी है ना। तो अगर मान लें कि बिजली मुक्त दी जाएगी, एक यूनिट बिजली को, अगर एक यूनिट बिजली उत्पादन करने में अगर मान लें कि 3 रुपया खर्च होता है, एक यूनिट बिजली के प्रोडक्शन में 3 रुपया खर्च होता है और मिले कुछ भी नहीं, तो ये प्रेशर किस पे आएगा? सेकेंडरी सेक्टर पे आएगा ना। और सेकेंडरी सेक्टर पे अगर प्रेशर ज्यादा होगा, और आमतौर पर जब किसानों की स्थिति खराब होती तो क्या होती, इसे कर्ज माफ कर दो, बिजली मुफ्त दे दो, खाद पर सब्सिडी कम कर दो, डीजल सब्सिडी कर दो, नतीजा। और ये सब प्रेशर किस पे आता है? स्वाभाविक है कि जो अच्छी कमाई किए हैं उन पे आए। अब जब बिना मतलब का पैसा इस सेक्टर पे खर्च हो जाएगा तो ये सेक्टर को बढ़ने में दिक्कत होगी। अगर यहां फाइनेंस की कमी होगी तो ये सेक्टर भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर तीनों सेक्टर ऊपर जा रहा हो, ये सेक्टर भी ऊपर जा रहा हो और एक ये सेक्टर भी ऊपर जा रहा हो, तो तीनों में जब अगर वृद्धि हो रही है तो ये देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करेगा, देश की अर्थव्यवस्था को और इनहेंस करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर मान लें कि ये सेक्टर अगर तेजी से आगे बढ़ता है, ये सेक्टर अगर तेजी से आगे बढ़ता है तो यहां से जो बिना मतलब के काम में लगे हुए हैं लोग, पूरा परिवार एक खेत में, बाप भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, उसका बेटा भी काम कर रहा है, एक ही खेत में काम कर रहा है, उत्पादन में कोई प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब पूरा परिवार उसने लगा, तो बाकी यानी अगर उसमें से 2-3 को हटा भी दे तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 2-3 लोग उसमें बेकार पड़ेंगे। और भारत में कृषि में ही ना, अब गांव में जाके देखिए या गांव जाने का मौका मिले देखिए तो पूरा परिवार खेतों में लगा हुआ, लेकिन प्रोडक्शन उतने, प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। अब अगर वहां से अगर मान लें कि ये सेक्टर अगर तेजी से बढ़ता है, ये सेक्टर बढ़ता है तो यहां पर जो बेकार के लगे हुए हैं लोग, इनको यहां पर एकोमोडेट किया जा सकता है, यहां एकोमोडेट किया जा सकता है। अगर हम एजुकेशन को, अगर हम एजुकेशन को इनहेंस करते हैं और हेल्थ सेक्टर को अगर इनहेंस करते हैं तो यहां से जो क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स मिलेंगे उसको हम इस सेक्टर में ला सकते हैं। अगर तकनीकी संस्थान बनाए जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए भारत में, अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट लोगों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर के विकास का भी ध्यान दिया जाए, बचपन से ही यानी कम उम्र से ही इस प्रकार के हुनर सिखाए जाए तो आगे चलकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में, तो ये एक पूरी स्ट्रेटेजी, और इसी स्ट्रेटेजी से ये पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चलती है। इसलिए देश के विकास के लिए तीनों सेक्टर का ऊपर ही जाना चाहिए, इसमें से एक सेक्टर भी नीचे आता है। अभी पूरे पेंडेमिक 2020 और 2021 इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग बंद है, थोड़े बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, ट्रेन फुल प्लेस में नहीं चल रहा है, हवाई जहाज फुल प्लेस में नहीं चल रहे हैं, हवाई जहाज फुल प्लेस में नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऑफिस जो है वो अब फुल स्ट्रेंथ में नहीं चल रहे, तो इसका निश्चित तौर पर प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का इस कोरोना का इफेक्ट नहीं पड़ा, वो है एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर कितना संभालेगा? अगर दो दो सेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नीचे की तरफ आ रहा है और सर्विस सेक्टर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एग्रीकल्चर कितना संभालेगा? एग्रीकल्चर का तो पहले से ही दबाव है। तो सवाल ये तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तब बढ़ा पाएंगे ना जबकि इस सेक्टर पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया है उस प्रेशर को रिलीज किया जाए, उस प्रेशर को कम किया जाए, तभी हम बाकी दोनों जो सेक्टर है उसको हम बेहतर कर। चलिए अब आगे लिखते हैं, आर्थिक संरचना यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना। संरचना यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अब इसको दो हिस्सों में बांटते हैं,
समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास। समृद्धि और विकास और दूसरा संस्थागत व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट। संस्थागत व्यवस्था एक तो समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या यानी राष्ट्रीय उत्पादन, यहां पे राष्ट्रीय उत्पादन में और रोजगार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सापेक्ष स्थिति से सापेक्ष स्थिति से यानी समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेशनल प्रोडक्शंस में और एम्प्लॉयमेंट में, नेशनल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का कंपैरेटिवली कंट्रीब्यूशन क्या यानी रिलेटिवली इसका कंट्रीब्यूशन क्या इन तीनों क्षेत्रों का प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में यानी कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कौन सा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसका हम तुलनात्मक यहाँ पर इसका विश्लेषण करते हैं यानी रिलेटिवली कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में सेकेंडरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में सर्विस सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और तीनों का रोजगार के क्षेत्र में यानी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में और प्रोडक्शन के सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना यानी कंट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी रिलेटिवली होना चाहिए कि तीनों में कितना कितना है। और दूसरा बात की अर्थव्यवस्था में यानी जिस तरह जो संस्थागत व्यवस्था है अर्थव्यवस्था में राज्य और बाजार की भूमिका राज्य और बाजार की भूमिका क्या कोई भी अर्थव्यवस्था उधर का हो गया यानी समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सापेक्ष स्थिति से यानी रिलेटिवली पहले की तुलना में दूसरा दूसरे की तुलना में तीसरा रोजगार और इंप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में क्या इसका कंट्रीब्यूशन रोजगार और इंप्लॉयमेंट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन और
और या संस्थागत व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे हम ये देखेंगे, फैसिलिटीज पर ये देखेंगे कि किसी भी देश किसी भी इकोनॉमी में स्टेट की क्या भूमिका होती है और बाजार की क्या भूमिका होती है। स्टेट और बाजार की भूमिका यानी स्टेट और मार्केट का क्या रोल होता है इकोनॉमी, उसी के आधार पर हम तीन तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं। पहला कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दूसरा सोशलिज्म इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत की कोई इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है क्यों? चलिए अभी इसका जवाब जरूरी नहीं, आगे बताएंगे कि क्यों है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम क्या अध्ययन करेंगे, यहां पर हम ये अध्ययन करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें स्टेट और मार्केट का क्या रोल होता है, इस इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करता है या मार्केट कंट्रोल करता है? मार्केट भी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और स्टेट भी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और यहाँ जो इस आर्थिक संरचना का जो पहला पॉइंट है या पहला पार्ट है वो है डेवलपमेंट ग्रोथ एंड, इसको नोट कर ली। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में पहला है कि समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या अंतर, जो बताएगा अंतर ग्रोथ और डेवलपमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की वैसे पॉजिटिव कौन होता है, जितना ग्रोथ उतना डेवलपमेंट, तो बराबर होता है इक्वल। ये क्वेश्चन तो लगता है एक बार पहले क्वेश्चन को बताई थी, क्या बताई थी? यानी ग्रोथ यानी मात्रा और गुणवत्ता यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है विकास यानी डेवलपमेंट। ये होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होता है, ओनली क्वांटिटी ग्रोथ क्वांटिटी, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, मात्रा भी बढ़नी चाहिए और मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव भी होता है। इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा हो, उसकी हाइट बढ़ रही, लेकिन हाइट के साथ साथ उम्र भी बढ़ रही है, लेकिन हाइट के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता यानी मानसिक स्थिति में कोई विकास नहीं है, बचपन वो बच्चे कैसा ही दिख रही है, व्यवहार कर रहा, उसके मसल्स डेवलप नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कहें, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं कर रहे, उसको हम क्या कहें? लेकिन
जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके मसल विकसित हो रहे हैं, उसकी उसकी मानसिक क्षमता भी विकसित हो रही है, उसके शारीरिक 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 विकास भी हो रहा है, तब इसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी है। इसीलिए जब डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होता है। डेवलप कंट्री की बात करते हैं जो विकसित देश है, वहां की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सिर्फ ग्रोथ होता है, क्योंकि विकास के स्तर गुणवत्ता के उस चरम पर वो पहुंच चुका है, यानी क्वालिटी क्वालिटी के वो एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं, उससे बेहतर क्वालिटी अब नहीं हो सकती। तो जब आप क्वालिटी डेवलपमेंट में यानी क्वालिटी इनहेंस में जब आप अपने आप को एक्सट्रीम पर लेकर चले गए हैं, तब वहां से क्या संभव है? वहां से तो सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ा सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत जैसे देश, भारत जैसे देश क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी भी कम है और क्वालिटी में भी कम है। तो इसलिए भारत यानी विकसित विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर का मेजरमेंट किया जाता है, जबकि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक वृद्धि दर कहा जाता है, और विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास दर। यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इसलिए वहां क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था गुणवत्ता उस स्तर तक पहुंच चुकी है, क्वालिटी लेवल एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, उससे अब इससे बेहतर क्वालिटी नहीं हो सकती है। जब 9/11 का आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे भी हमला हुआ, इस तरह पेंटागन पे भी हमला हुआ था। पेंटागन यानी वहां का जो डिफेंस ऑफिस है अमेरिका, उसको पेंटागन, पेंटागन पे भी हमला हुआ। उस हमले के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो ही नहीं सकती, अगर उसके बावजूद अगर ये अटैक हो गए तो बस इसे अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती, यानी वहां सुरक्षा का जो लेवल था ना वो क्या एक्सट्रीम था। ये हो सकती है कि वहां पे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती थी सैनिकों की, वहां क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती थी सैनिकों की, उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ाई जा सकती थी। तो ये है डेवलप। अब लिखते हैं आर्थिक विकास, लिखिए कि आर्थिक विकास किसको कहते हैं, यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। अल्प विकसित देश को यानी अंडर डेवलपमेंट अल्प विकसित देश को विकसित देश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, अल्प विकसित देश को विकसित देश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। इसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि में मापा जाता है, यानी
सकल ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि यानी ग्रोथ को मापा जाए। तो एक अगर अंडर डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री यानी अविकसित देश, अंडर डेवलप कंट्री को अगर डेवलप कंट्री डेवलपमेंट यानी डेवलप कंट्री में अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो कोई भी देश स्वयं को विकसित अवस्था में यानी डेवलप स्टेज में ले जाने के लिए जो प्रोसेस को अडॉप्ट करता है वही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। यानी कोई देश विकसित होने के लिए क्या करता है, कोई भी देश विकसित होने के लिए क्या करता है, डेवलप होने के लिए वो क्या करता है, तो जो कर रहा है वही वो क्या कहलाता है, जो प्रोसेस है यानी जिस प्रोसेस से कोई भी देश स्वयं को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे, आर्थिक डेवलपमेंट कहेंगे। और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, पर कैपिटा जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना, इससे ये पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। यानी आर्थिक विकास किसको कहेंगे, ये अल्पविकसित देश को यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री को विकसित देश में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है वो आर्थिक विकास कहलाता है। और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट पर कैपिटा क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जरिए करते हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन, यानी हर एक व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें जीडीपी में, ये जितना ज्यादा होगा प्रति व्यक्ति कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जितना ज्यादा होगा जीडीपी उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, हमारे जीडीपी का शेप जो है वो उतना ही बड़ा होगा। और जीडीपी का शेप बड़ा होगा तो जीएनपी का भी शेप बड़ा होगा, और जीएनपी का शेप बड़ा होगा तो एनएनपी का भी शेप बड़ा होगा, और एनएनपी का शेप बड़ा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी हमारा ज्यादा होगा। और आज दुनिया में कौन देश विकसित है और कौन देश विकसित नहीं है इसका मेजरमेंट कैसे हो रहा है, पर कैपिटा इनकम से ही हो रहा है। पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कितना है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील कितना है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑन एजुकेशन कितना है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑन हेल्थ कितना है। अगर आप अपनी आय का कितना बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, आप अपनी आय का कितना बड़ा हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, आप हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस है, ये सब डिपेंड किस पे करता है, पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम किस पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा जीडीपी पर। तो ये जितना तो अल्प विकसित देश को विकसित देश में बदलने वाली शक्तियां कौन सी, यानी ये इसको नोट करेंगे कि अल्प विकसित देश को विकसित देश में परिवर्तित करने वाली शक्ति यानी परिवर्तित करने वाली करने वाली शक्ति इसमें निम्न बचत निम्न निवेश निम्न वृद्धि इसका क्या होगा, निम्न बचत निम्न निवेश
तो निम्न वृद्धि। यानी लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, यानी कम बचत होगी तो कम निवेश होगा, कम निवेश होगा तो ग्रोथ भी कम होगा। अब इसके बाद ये तो अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप कंट्री की स्थिति है, जहां पे लो लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट और लो ग्रोथ ग्रोथ रेट। अगर इसको डेवलप में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करें, डेवलप में कन्वर्ट करने के लिए उच्च बचत, उच्च निवेश, तो उच्च हाई सेविंग हाई इन्वेस्टमेंट और हाई ग्रोथ, ये तो सवाल कि ऐसा होगा। तो ये निम्न बचत तो सवाल ही कि निवेश भी निम्न ही होगा, कम ही होगा, और निवेश कम होगा तो वृद्धि भी कम ही होगी। और अगर बचत ज्यादा होगी तो निवेश भी ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो वृद्धि भी ज्यादा होगी। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप्ड, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप्ड कंट्री में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम आर्थिक विकास। अब इसके बाद देखिए विकास और संरचनात्मक परिवर्तन। विकास और संरचनात्मक परिवर्तन यानी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंज, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंज। विकास और संरचनात्मक परिवर्तन, अल्प विकसित देशों की संरचना एवं समृद्धि में, समृद्धि अल्प विकसित देशों की यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री के स्ट्रक्चर और ग्रोथ, अल्प विकसित देशों की संरचना एवं समृद्धि अर्थशास्त्र संरचना के दो रूप भेद होते हैं। अर्थशास्त्र में संरचना के दो रूप भेद होते हैं, यानी स्ट्रक्चर पर दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमी में दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। अल्प विकसित देशों की संरचना यानी एवं समृद्धि हो गया। अब इसके बाद देखिएगा अर्थशास्त्र में संरचना के दो रूप भेद होते हैं, अर्थशास्त्र में संरचना के अर्थशास्त्र में संरचना के दो रूप भेद होते हैं।
इसमें पहला भेद है क्रियाशील संस्थानिक संरचना, पहला क्रियाशील क्रियाशील संस्थानिक संरचना यानी एक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला राज्य यानी स्टेट, स्टेट का क्या रोल होता है, कोई भी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इकोनॉमी। दूसरा बाजार यानी मार्केट का क्या रोल होता है, इकोनॉमी। और तीसरा है संसाधनों के आवंटन में, संसाधनों के आवंटन में उनकी भूमिका। यानी जब रिसोर्स का एलोकेट किया जाता है, रिसोर्स का जब एलोकेशन होता है, तो उसमें उनकी क्या भूमिका होती है, यानी स्टेट और मार्केट, स्टेट की और मार्केट की इसमें क्या रोल होता है, इसको हम क्रियाशील संस्थानिक, यानी संस्थाएं अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी क्रियाशील है। स्टेट भी क्या है, एक संस्था है, और बाजार भी एक संस्था है। तो इसमें किसकी क्या भूमिका होगी, जैसे भारत में जितने भी मेंबर हैं उस पर किसका है राइट, किसका अधिकार है, किसका कंट्रोल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जितने भारत में जितने भी माइंस मिल गए, जितने भी माइंस है, जितने भी खनिज है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिट करती है कि आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई पावर प्लांट कंपनी है, कोई कोयला चाहिए उसको, तो ये कोयला हमसे तो नहीं निकाल सकती है, इसके लिए सरकार से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार उसे अलॉट करेगी कि यहां से आप कोयला निकाल सकते हैं, और उसके बदले में सरकार को उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर स्टेट का कंट्रोल होता है, फिर बाजार का भी कंट्रोल होता है, बाजार का भी कंट्रोल होता है, और फिर इस जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में स्टेट ऑफ मार्केट का क्या रोल होता है, ये इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक रूप। और दूसरा लिख लीजिए, दो रूप है ना, दो रूप भेद है। तो दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच, आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध, आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध, यानी आर्थिक क्रियाकलाप यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने सेक्टर, अभी बताएंगे कितने सेक्टर है, तीन सेक्टर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन क्या, ये तीनों आपस में किस प्रकार कनेक्ट, ये तीनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करता है, ये तीनों एक दूसरे को कैसे तो दूसरे में क्या होगा कि जो आर्थिक क्रियाकलाप के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बीच क्या इंटरकनेक्शन है, वो किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है, किस प्रकार एक दूसरे को सपोर्ट। ठीक है, छोड़ देते हैं, तो बाकी नेक्स्ट क्लास। हाँ।